Welcome to Virtual University. This is Business Communication. We have had two lectures so far. In the first lecture, we went through what is communication, how communication is important for a person, for any, any individual. In the second lecture, we discuss the flow of communication, how communication works within an institution, organization, and outside an organization. And what is formal communication? What is informal communication? What are the channels used for communication? So, I hope that you must have understood some of the aspects of the flow of communication. Today, we are going on to another topic, and that is theories of communication. कम्युनिकेशन की के बारे में मुख्तलिफ लोगों की क्या राय है अगरचे इसके बारे में सबसे पहले तो अरिस्टोटल ने ही कुछ कहा था लेकिन उसके बाद इस, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है तो हम देखते हैं कि इसके बारे में मुख्तलिफ अखबार में मुख्तलिफ लोग क्या कहते हैं आज हम तीन थीरी जो है उनको डिस्कस करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक थेरी दूसरी सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी और तीसरी रिटोरिकल थ्योरी तो इन तीन थ्योरीज का हम आज मुता करेंगे आज के इस लेक्चर में इन थ्योरी का बेसिकली मकसद यह है कि हमें पता चले कि इस कम्युनिकेशन जिसको हमने दो लेक्चर्स में पढ़ा और उसके बाद अभी हमें बहुत से लेक्चर्स में इसको बार बार इसको दोहराना है रिपीट करना है रिवाइज करना है इसकी कॉन्सेप्ट को इसके आइडियाज को अंडरस्टैंड करना है तो ये बेसिकली है क्या इसकी एक वर्केबल डेफिनेशन बार बार मैं दोहराता रहा हूं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन यानी ये इसकी एक वर्केबल डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन जो है वो कोई एक आदमी कोई एक इंफॉर्मेशन कोई एक आइडिया रखता है और वो उसको दूसरे तक पहुंचा है लेकिन ये एक बड़ा सादा सा, आ, इस, सादा सा इसके बारे में हमारा एक स्टेटमेंट है इसमें क्या क्या अवामिल जो है आ, वो इसके अंदर है क्या प्रोसेस इसमें वर्केबल है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है तो हम अपनी पहली थेरी जो इलेक्ट्रॉनिक है, उसको स्टार्ट करते हैं वो क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक थेरी जैसे कि ये अपने नाम ही से कुछ हमें पता देती है कि इससे हमारी क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक थेरी जो है बेसिकली मैथमेटिकल थ्योरी है यानी मैथमेटिकल थेरी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी तो थोड़ा सा मशीनों का थोड़ा सा एहसास आई होप के हो गया होगा कि हम इस थेरी में कुछ प्रसिजन की बात करेंगे और कुछ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन uh, 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 की बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है बेसिकली डिस्कस करती है इंफॉर्मेशन सोर्स से कि जब भी कोई मैसेज होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है उस इंफॉर्मेशन सोर्स को एक सेंडर होता है एक इनकोडर होता है जो कुछ सिंबल्स के जरिए से उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाता है किसी रिसीवर के पास किसी डिकोडर के पास और यूं मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल होता है आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जा सकता है यानी दिस इज अ वेरी इंफ्लुएंशियल थ्योरी एंड इट इज अ मैथमेटिकल थ्योरी द बेसिक आइडिया एम्फेसाइज Is the technical problem of transmitting a message from a sender to a receiver is what? It is based on and uses the language of electronics. The message begins with an information source, the mind of the sender, writer, or speaker, who encodes a message into words and sentences. Any yani basic iska, ka source here कि मैसेज जो है वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स से स्टार्ट होता है और वो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है सेंडर का माइंड यानी सेंडर के माइंड में एक ख्याल आया आपके में ख्याल आया कि चले अपने किसी दोस्त को खत लिखते हैं या चले अपने किसी दोस्त को जाके मिलते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो आपका माइंड बना और उसके बाद आपने सोचा कि खत लिखते हैं तो आपने कुछ मार्क्स पेपर पे लिखे या आपने कुछ लफ्स जो हैं अपने दोस्त के पास गया और उसके साथ जाके वो लफ्स जो हैं वो बोले तो ये बेसिक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक थेरी जो है ये कहती है कि मैसेज जो है इस तरीके से पहुंचाए जाते हैं आपके पास को मैसेज था आपने या तो पेपर के जरिए या किसी के सामने फेस टू फेस में जाके उस मैसेज को उस तक पहुंचाया अब एक अगली चीज जो इसमें आती है वो ये है कि कभी कभी इसमें कोई नॉइस पैदा हो जाती है नॉइस क्या हो सकती है मिसाल के तौर पर अगर आप खत लिखें तो उसमें नॉइस क्या हो सकती है क्या ख्याल है यानी लेटर में अगर कोई नॉइस का हम जिक्र करें यानी नॉइस मत आवाज का जिक्र करें तो क्या हो सकता है आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते एक लफ्स लिखा और फिर एकदम आपने उसको काटा और उसको काट के एक अगला लफ्स लिखना शुरू कर दिया या आप किसी फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं और आपका हाथ लग गया है तो वो कोई उसके ऊपर आ गया तो उसको हम पेपर पे नॉइस का नाम देंगे इसी तरह अगर आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं एकदम कोई करीब से बहुत बारी चीज जो है वो गुजरी है और उसके नतीजे में आप जो बोल रहे थे वो दब के रह गया वो उस तक नहीं पहुंच सका तो ये ली ये आपकी बात जो है वो साउंड वेवस के जरिए आपके रिसीवर तक नहीं पहुंची तो ये नॉइस को पैदा हो जाती है ये थेरी जो है एक पे बहुत जोर देती है यानी जब एक इंफॉर्मेशन सोर्स है कोई सेंडर है और वो उसने कोई अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए कोई मीडियम जो है वो चूज किया है तो वो जो है वो रिसीवर तक पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंचा तो इसका मतलब यह है कि उसके बीच में कोई नॉइज पैदा हो गई है जिसके नतीजे में वो मैसेज जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं फिर एक दफा दोहराता हूं द मैसेज बिगे विद एन इंफॉर्मेशन सोर्स द माइंड ऑफ द सेंडर राइटर और स्पीकर मैसेज इन टू द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज लेट सी नेक्स्ट जैसे कि मैंने कहा कि ये मैसेज जो है ये किसी पेपर पे मार्क्स या साउंड वेव्स के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है जिसे हम मीडियम या चैनल कहते हैं और ये डिस्टॉर्ट हो जाता है यानी इसमें कोई नॉइज जो है वो आ जाती है अगर इसको हम फिगर की सूरत में देखें तो हम कहते हैं कि देर इज वन कम्युनिकेटर एज सेंडर एंड देन वी हैवे मैसेज एंड देन वी हैव ऑडियंस एज ए रिसीवर तो ये इसका एक ग्राफ जो है वो बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक थेरी जो है इट्स वेरी हेल्पफुल क्यों हेल्पफुल है इसलिए कि बेसिकली ये हमें एक सेंडर के वजूद का और एक रिसीवर के वजूद का और उन दोनों के दरम्यान एक इंटरफेरेंस के वजूद का आइडिया हमें देती है और ये एक चीज पे स्ट्रेस करती है और वो है एक्यूरेसी यानी एक चीज एक्यूरेसी इसमें लाजमी आंसर है कि एक मैसेज जब दिया जा रहा है तो वो दूसरी जगह पहुंचना चाहिए और अगर नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई ना कोई नॉइज आ गई है कोई प्रॉब्लम आ गई है जैसे आप एक फोन उठाया किसी का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ अब आपको यकीन है कि कोई बंदा आपका दोस्त जिसको आपने फोन किया वो उठा लेगा अगर नहीं उठता तो इसका मतलब यह है कि कोई लाइन्स में कोई प्रॉब्लम है या कोई अपरेट में कोई प्रॉब्लम है तो ये जो है वो आपके यहां मौजूद है लेकिन मुझे एक बात कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक बात कह रहे होते हैं दूसरा शख्स सुन भी रहा होता है हम एक बात लिख के किसी को देते हैं दूसरा शख्स उसको पढ़ भी रहा है लेकिन वो बात जो है जो हम कहना चाह रहे हैं वो लाजमी तो नहीं कि दूसरी दूसरा शख्स उसको समझ आए तो ये इलेक्ट्रॉनिक थेरी जो है इसमें सिर्फ नॉइस का जो आंसर है यानी अगर नॉइज नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं बात कहूंगा आप समझ आएंगे तो इसका मतलब यह है कि इन ये मशीनों की हद तक तो ठीक है लाइंस ठीक है मेरा टेलीफोन ठीक है आपका टेलीफोन ठीक है मैंने फोन डायल किया आपको फोन मिलना चाहिए और जो बात हुई की जा रही है वो आप तक पहुंचनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक फेरी जो है उसमें ये थोड़ा सा मैकेनिकल एस्पेक्ट आ जाता है यानी एक्यूरेसी क्या इंसान और मशीन में कोई फर्क है क्या फर्क है जरा सोचिए बताइए मशीन के जज्बात नहीं होते इंसान के होते हैं हाँ इंसान के होते हैं तो इस पे जो बेसिक इतराज हैं वो यही है कि इट्स यूज़फुलनेस इज लिमिटेड पीपल आर नॉट मशीन एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी डिजाइंड बट नॉट अन वन इट इग्नोर्स मैनी अदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द सिचुएशन इन विच कम्युनिकेट यानी इसमें एक लफ्स का जो मैंने आ, अभी कहा कि इंसान और मशीन में जो फर्क है यह कि मशीन के कोई जज्बात नहीं होते मशीन का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता कोई उसका आ, उसकी कोई सिचुएशन नहीं होती लेकिन दो आदमी जब भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करें उनके कम्युनिकेशन में एक सिचुएशन जो है वो होती है तो अगरचे ये एक हमें वर्केबल स्टार्ट देती है डिफिनीशन देती है कि कम्युनिकेशन क्या है एक आदमी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे आदमी को पहुंचा रहा है और इसने हमें तीन चीजें दे दी एक एक स्पीकर इन स्पीकर दे दिया इन पोर्डर दे दिया एक मैसेज दे दिया एक डिकोडर दे दिया एक रिसीवर दे दिया और ये भी बता दिया कि मैसेज जो है उसमें कोई ना कोई नॉइज के होने का भी चांस होता है लेकिन आ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब नॉइज कोई ना हो यानी जिस ऐसी नॉइज को जिसको हम महसूस कर सकें, यानी मैं बोल रहा हूं और आप तक मेरी आवाज जो है उसको पहुंचने तक में कोई रुकावट ना हो तो इस सूरत में क्या मेरा मैसेज जो है वो आप तक लाजमन पहुंचना चाहिए क्या ख्याल है लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि मैसेज डिलीवर किया जाता है लेकिन रिसीव भी किया जाता है लेकिन वो नहीं पहुंचता इसके बारे में यहां तक जो हमने एतराज किया वो यह है कि ये सिचुएशन के बगैर चल रही होती है और ये ज्यादातर मकैनिकल है की बात करती है तो इसी से आगे बढ़ते हुए एक ऐसी थ्योरी की तरफ चलते हैं कि जिसमें हम सिचुएशन की बात करें और वो कौन सी थ्योरी है जो मैंने अभी इसका जिक्र किया दट इज सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी सोशल एनवायरमेंट थ्योरी क्या है लेट्स सी इट बेसिकली दिस थ्योरी वॉज क्वाइं बाय सोशल एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं या बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने इस थ्योरी को किया। वो इसके बारे में कहते हैं कि वी मस्ट कंसिडर द सिचुएशन द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी ऑल वर्क व्हेन वी वर्क इन कम्युनिकेट टुगेदर, वी ऑल पार्टिसिपेट इन अलशन विद इन दैट सिचुएशन ईच अग्रीज टू अस्यूम सर्टन रोल सच एज कॉम्प्रोमाइज इनिशिएट और इनक्रेज बेस्ड ऑन अवर पार्थ इन द एक्टिविटी यानी इसमें क्या चीज इजाफा की जा रही है इसमें इजाफा की जा रही है कि हर जो सिचुएशन हर जो कम्युनिकेशन है वो किसी खास सिचुएशन में हो रहा है इससे क्या मतलब है यानी उस सिचुएशन में कोई कॉम्प्रोमाइजर होता है कोई इनिशियटर होता है कोई इनकेजर होता है हर आदमी जो है वो एक रोल के मुताबिक काम कर रहा व does this mean for example if i'm teaching you this subject i'm teaching it as a, as a lecturer of this virtual university so what is the situation of my lecture that i am the employee of this uh, institution is my situation ma a communication ek khas role mein kar कैमरे के सामने बैठे मुझे सुन रहे हैं किसियत से सुन रहे हैं किस सिचुएशन में तो ये एक खास ये जो उस्ताद और एक शगत का इंटरेक्शन हो रहा है ये खास सिचुएशन के तहत हो रहा है जिंदगी में जितने भी मामलात होते हैं वो इसी सिचुएशन के तहत होते हैं। हम मुख्तल सिचुएशन में जिंदगी गुजार रहे हैं और इन सिचुएशन में वी आर इन सर्टन रोल्स फॉर एग्जाम्पल इधर में आई एम इन अ रोल ऑफ अ टीचर यू आर इन अ रोल ऑफ अ स्टूडेंट एट होम यू आर इन डिफरेंट रोल्स फॉर योर फादर यू आर इन अ सन्स रोल फॉर योर मदर यू आर इन अ सन्स रोल फोर योर ब्रदर एंड सिस्टर यू आर इन अ ब्रदर्स रोल यू आर इन अस्टर्स रोल शॉपकीपर शॉप कीपर इट क्या ख्याल है यानी आप किसी जब शॉपकीपर के पास जाते हैं पहली दफा तो क्या आप दोनों में अजनबीयत होती है अगर अजनबीय होती तो आप जाके कभी ना पूछते किसी खास चीज के बारे में फला चीज दे दी ये आपके पहले से तयशुदा रोल है एक शॉपकीपर का और एक कस्टमर का उन रोल्स में जाके आपने काम किया आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सोचे आप किसी नई जगह गए हैं और आपको कोई एड्रेस जो है है वो पूछना है। तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है क्यों क्योंकि आपका वहां कोई रोल नहीं होता कोई नेबर्स का रोल नहीं होता किसी को नहीं जानते कोई आपका नेबर है किसी को नहीं जानते कोई आपका फ्रेंड है आप एक डिफरेंट आप अपने रोल से वाकिफ नहीं होते हैं लेकिन उधर भी एक स्ट्रेंजर का एक दूसरे स्ट्रेंजर के साथ रोल जो है वो मौजूद है इसलिए आपने देखते हैं कि हमें किसी इलाके में कोई एड्रेस अगर दरियाफ करना है तो हम किसी भी वहां उस इलाके के किसी भी आदमी से उस एड्रेस के बारे में पूछ लेते हैं तो वो एक्ट एन दीज रोल सो थियरी जो है इस बात पे स्ट्रेस करती है कि हम एक खास सिचुएशन में काम करते हैं और उस खास सिचुएशन में हम किसी एक रोल में काम कर रहे होते हैं और हम उस रोल में इंटरेक्ट करते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ जो वो ऑलरेडी किसी रोल में काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन में आप Uh, किसी एक पोजिशन में तो वो पोजिशन आपका रोल है कुछ लोग आपसे नीचे काम कर रहे हैं कुछ आपके एक्सपीरियर हैं कुछ जूनियर्स हैं तो वो डिफरेंट रोल जो हैं एक्सपीरियर का रोल और जूनियर का रोल जो है वो आप उसको कर रहे हैं तो इन रोल्स में हम बेसिकली काम कर रहे होते हैं तो अगर हम इस इस आ, जो है फेरी के मुताबिक डेफिनेशन दे तो एक स्पीकर है एक राइटर है एक सेंडर है या एक इनकोडर है और दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ एक लिसनर है एक रीडर है एक डिकोडर है और इन दोनों के दरमियान एक मैसेज है और इस मै ये मैसेज ये तीन चीजें जो हैं वो एक सिचुएशन में काम कर रहे हैं यानी एक स्पीक एक इनकोडर का रोल है एक डिकोडर का रोल है और इन दोनों रोल्स के दरमियान एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में वो काम जो है वो किया जा रहा है तो वी हैज आई सेड दैट वी इच अ सर्टेन स्टेटस प्रिस्क्राइब ऑफिशियली सच हैजर जॉब टाइटल अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मिसाल के तौर पे कुछ कहना चाहते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा क्या आप उस रोल को अपने रोल में उसको कहने की आ, की पोजीशन में हैं या नहीं है ऑब्वियसली इफ यू इफ यू आर नॉट दिस पीरियर ऑथोरिटी यू आर नॉट अपनेजमेंट यू कैनोट मेक डिसीजन उसमें आप क्या करें आप आपको डिसीजन जो है ट्रांसफर होंगे और आप उन डिसीजन को कैरी आउट करेंगे तो ये रोल्स ही का मसला है ये सिचुएशन ही का मसला है जिसके तहत कम्युनिकेशन का ये प्रोसेस जो है वो चलता है लेकिन हर एक फेरी की तरह इसमें भी कुछ बातें कही जा सकती हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स और कल्चर ऑफ द एनवाइ इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बोथ द ऑफिशियल रूल्स सच एज कंपनी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस एंड दोटन रूल रिगार्डिंग टू हुम हाउ एंड वेन एंड फो हाउ लॉन्ग इट इज अप्रोप्रियट फॉर टू कम्युनिकेट विदर्टन ऑर्गेनाइजेशन यानी जैसे मैंने आपको कहा कि हमें लर्न करना पड़ेगा कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कल्चर के मुताबिक उसके कन्वेंशन के मुताबिक कैसे इंटरेक्ट करना है कब इंटरेक्ट करना है किस वक्त इंटरेक्ट करना है क्यों इंटरेक्ट करना है ये तमाम चीजें जो है इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने रोल से वाकिफ हों तो ये थ्योरी जो है ये इस एस एस्पेक्ट के ऊपर बहुत जोर देती है सो इफ वी लुक एट बेसिक फिगर ऑफ द थ्योरी सो वी कैन से दैट वी हैव वन वन कम्युनिकेटर ऑडियंस एंड अ मैसेज एंड दिस होल गोज ऑन विदर्टन एनवाट ये तमाम जो है ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक खास एनवायरनमेंट के अंदर चलता रहता है क्या ख्याल है किस थेरी में भी को नक्श निकल सकता है या ये इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा बेहतर और बस ठीक है इट इज हेल्पफुल बिकॉज इट एड्स द इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन यानी ये हेल्पफुल है कि ये सोशल सिचुएशन को बीच में लाती है लेकिन जो सबसे अहम कम्युनिकेशन में है याद होगा हमने पहली दफा जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यह था कि कम्युनिकेशन इज इट ब्रिंग्स बैक द डिजायर्ड रिजल्ट और रिस्पांस यानी अगर हमारे कम्युनिकेशन के नतीजे में हमारी मतलूबा रिजल्ट या नतीजा ना निकला तो फिर वो कम्युनिकेशन है यानी मशीनी कम्युनिकेशन और इंसानी कम्युनिकेशन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि उधर का नतीजा जो है वो किसी नॉइस की सूरत में खराब हो सकता है अदरवाइज उसमें एक्यूरेसी है लेकिन ये जो इंसानी कम्युनिकेशन है इसमें और भी बेशुमार चीजों का ख्याल रखा है, यानी हम ये कह दें कि मैंने एक पैगाम जो है वो भिजवाया है और वो पैगाम जो है वो मिल ही जाएगा और बस मेरा काम खत्म हो गया तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता मैंने पहले भी आपको ये जुमला दोहराया था कि हम अक्सर अपने आप को ये कहते हुए पाते हैं कि आई डोंट मीन वट आई से यानी मेरा ये मतलब नहीं था जो मैंने कहा तो कई दफा होगा कि आप एक लेटर कंपोज करेंगे ड्राफ्ट करेंगे और उसको भिजवा देंगे लेकिन आपको कोई क्वारी आ जाएगी आपने जो बात की है उसको वो क्लियर वो नहीं समझ पाएंगे तो ये कम्युनिकेशन हो गया कम्युनिकेटर ऑडियंस रिसीव हो गया एक मैसेज भी था एक सिचुएशन भी ठीक थी लेकिन उसके बावजूद जो कम्युनिकेट करने की बेसिक आपकी स्टेमल बेसिक स्टेम था उसने वो रिस्पॉन्स नहीं दी जो कि रिस्पॉन्स जो थी वो आपको मतलूबा थी तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्पांस है वो एक अहम चीज है कम्युनिकेशन uh, के इस प्रोसेस में और क्योंकि सोशल एनवायरमेंटल फेरी जो है इसमें रिस्पांस का जिक्र नहीं है तो रिस्पांस को हमें भी डिस्कस uh, करना इसलिए हम अपनी तीसरी फेरी के ऊपर आते हैं और वो है रिटोरिकल फेरी िकल थीरी बेसिकली इट इज एट्रीब्यूटेड टू अरेस्टोटल अरेस्टोटल की तरफ इसको ले जाया जाता है कि अरेस्टोटल जो है वो पहला शख्स है जिसने कम्युनिकेशन के इस एस्पेक्ट को जिक्र किया है लेकिन आज के जो स्कॉलर्स हैं वो इसको खासी अहमियत देते हैं क्योंकि ये खासी हद तक हमें समझने में मदद देती है और वो ही है थर्ड सेट ऑफ थे मोर डायमेंशन टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्युनिकेशन इज नॉट लीनियर बट सर्कुलर लीनियर से क्या मुराद है हमने जो अभी तक थे uh, स्टडी uh, की है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल एनवायरमेंट इसमें हमने ये देखा कि देर इज वन कम्युनिकेटर देन कम्स मैसेज देन कम्स दी ऑडियंस और द रिसीवर और दिसनर राइट सो एक सीधी बात चल रही है तो इसको हम लिनियर कम्युनिकेशन कहेंगे यानी एक जगह से सीधी दूसरी जगह कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है लेकिन इस थेरी के मुताबिक कम्युनिकेशन जो है वो लिनियर नहीं है बल्कि क्या है सर्कुलर है यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं एक मैसेज जो है वो मैं आपको दे रहा हूं वो मैसेज एक सिचुएशन के तहत दिया जा रहा है वो मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं अब मैसेज रिसीव करके अगर आपने दोबारा मुझे मैसेज नहीं दिया तो ये तो लीनियर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर आप मुझे मैसेज दे देंगे दोबारा तो ये सर्कुलर मैसेज हो क्या ख्याल है हम लीनियर कम्युनिकेशन करते हैं आम हालात में या बल्कि इस तमामी हालात में या सर्कुलर कम्युनिकेशन करते हैं जरा सोचें दो बंदे बैठे हैं आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं आपने कोई बात की खास एक खास रोल में की खास सिचुएशन के तहत की आपके दोस्त ने उस बात को सुना अब वो रिस्पांस आएगी वो रिस्पांस क्या है वो रिस्पांस जो है वो कोई अगली बात होगी वो मुस्कुराहट होगी वो कोई यानी गुस्से का इजहार होगा उस बात के मुताबिक एक रिस्पांस जो है वो पैदा होगी और रिस्पांस के नतीजे में भी एक मैसेज जो है वो दिया जाएगा इनको जहां से कम्युनिकेशन शुरू होगी और यूं कम्युनिकेशन जो है वो एक सर्कल के की सूरत इख्तियार कर लिया जाती है जिसको हम सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं तो रिटोरिकल थेरी के मुताबिक कम्युनिकेशन जो है इट्स नॉट लिनियर इट इज सर्क्युलर यानी ये एक चक्कर की तरह घूमती रहती है ये नहीं है कि एक जगह से ये दूसरी जगह सीधी सीधी चले जाती है तो इसमें यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सर्कुलर है रेस्पॉन्स है रेस्पॉन्स को हम आगे जाके फीडबैक के साथ तजबीज देंगे तो ये दूसरी इसमें जो अहम तब्दीली हमने पिछली दो के कंपैरिजन में इसमें की यह के सर्कुलर है

होना चाहिए जैसे पहले दिन कहा था इट्स इन इंटरक्शन एंड रिएक्शन वो रिएक्शन की सूरत में होना चाहिए डायनामिक होना चाहिए स्टैटिक नहीं होना चाहिए यानी वो खत आए मिसाल के तौर पे वो खत आए और खत आ, आपने किसी को खत लिखा उस शख्स ने वो खत जो है वो आ, पढ़ के उस खत को रख दिया अब ये लीनियर है या सर्कुलर है क्या ख्याल है लीनियर है या सर्कुलर लीनियर नहीं नहीं लीनियर नहीं है ये सर्कुलर है क्यों सर्कुलर है उसकी वजह यह है कि जिसने आपके खत का जवाब नहीं दिया वो आपको कुछ कन, आ, मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ नाराज हैं। या ये बताना चाहते हैं कि वो, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है कम्युनिकेशन तो जो है इंसानी कम्युनिकेशन ये हमेशा सर्कुलर होती है ये लिनियर नहीं होती तो एज वी वेट जस्ट सेंडिंग ए मैसेज टू बी रिसीव बट प्रोड्यूसिंग ए रेस्पॉन्स नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक टॉरिकल थियोरिस्ट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट एडिशन टू कम्युनिकेशन मॉडल फॉर बिजनेस कम्युनिकेटर्स मैनी पीपल कॉट अप इन द एक्सी गेट थर्ड ट्रूशर वेरिएबल प्रोड्यूसिंग द डिजायड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस दिस मॉडल इज सर्कुलर नॉट लिनियर सो इस मॉडल में सबसे अहम बात जो है वो ये रिस्पॉन्स पैदा किया जाए रिस्पॉन्स जब तक पैदा नहीं की जाएगी उस वक्त तक कम्युनिकेशन uh, जो है वो कामयाब नहीं हो, हो सकती और ये कम्युनिकेशन जो है ये सर्कुलर है लिनियर नहीं है इसका मॉडल जो है उसको अगर हम देखें तो वी कैन से वी हैव अ कम्युनिकेटर कम्युनिकेटर अब तक मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया होना कि कम्युनिकेटर जब हम यूज करते हैं तो कम्युनिकेटर से मुराद एक राइटर है एक स्पीकर है राइट तो ये कम्युनिकेटर है और मैसेज जब हम कहते हैं तो मैसेज कैन बी ओरल और रिटर्न हम बिजनेस कम्युनिकेशन में ओरल रिटर्न या नॉन वर्बल मैसेजेस की बात करेंगे तो इट कैन बी रिटर्न एंड ओरल मैसेज एंड बोथ रिटर्न एंड ओरल मैसेजेस ऑलवेज कैरी सम नॉन वर्बल मैसेज विद यानी कोई भी रिटर्न मैसेज हो या ओरल मैसेज हो उसके साथ नॉन वर्बल मैसेज भी जो होता है वो भी होता है तो कम्युनिकेटर मैसेज एंड ऑडियंस ऑडियंस जो है वो जैसे हमारा कम्युनिकेटर कोई स्पीकर या कोई राइटर हो सकता है इसी तरह हमारा ऑडियंस जो है वो लिसनर और आ, कोई रीडर जो है वो हो सकता है एंड दिस होल टेक्स प्लेस विद एन एनवायरनमेंट और ये तमाम चीजें जो हैं वो एक एनवायरनमेंट में हो रही होती है लेकिन इसकी एक चीज जो है वो पिछली थियोरी से डिफरेंट है और वो ये है कि इसमें एक रिस्पॉन्स भी पैदा हो रही है तो हम कहते हैं के मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट सर्कुलर क्वालिटी यानी सबसे अहम डिफरेंस जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का और दूसरी कम्युनिकेशन का वो क्या है वो सर्कुलर क्वालिटी है कि ये एक रिस्पांस जो है वो पैदा करती है और ये रिस्पॉन्स जो है वो एक बजाते खुद एक मैसेज होता है एक बजात खुद कम्युनिकेटर की तरफ से एक मैसेज होता है और ये सिलसिला जो है वो ये चलता रहता है सो योर बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द रिजल्ट यू अचीव कि आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन के कामयाब होने का इहसार जो है वो उस रिजल्ट पे है जो कि आप अचीव करेंगे और ये बिजनेस कम्युनिकेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जितने भी हम टेक्निक्स स्टडी करेंगे और वट वी स्टडी द कॉन्सेप्ट और द टेक्निक बेसिकली दीज आर लर्न टू हेल्प ब्रिंग द रिजल्ट दैट वी वांट, ब्रिंग द रिजल्ट दैट वी वांट। कि ये तमाम टेक्निक जो है वो हमें उस डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने में मदद देती हैं कि जो हम चाहते हैं तो जरा इन चीजों का फिर विक uh, uh, कर लें कि अगरचे बिजनेस कम्युनिकेशन जो है इसकी वर्केबल डेफिनेशन जो है वो वही है जो इतने दिनों से यानी आज भी और इससे पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि ट्रांसमिटिंग ऑफ आइडियाज और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर अन। पर्सन लेकिन यह कि इसको बेहतर तरीके पर समझने के लिए हमें कुछ इसकी थे भी स्टडी करना जरूरी है जो कि आज हमने इसको किया है और कर रहे हैं जिनमें हमने एक सबसे पहले थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की है इट्स अबाउट वट इज इलेक्ट्रॉनिक थियोरी यू कैन से मैथमेटिकल थ्योरी एंड इट स्ट्रेस ऑन एक्सी ऑफ द मैसेज एंड इट वट इट एड्स इन टू आर नॉलेज इज दूसिस

कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं लेकिन इसमें एक बात जो है वो ये है कि इसमें कोई रिस्पांस नहीं होती तो इस रिस्पांस को कि जो हमारी आ, 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 जो, जो बात है उसको अंडर समझने के लिए हम एक तीसरी थ्योरी की तरफ आते हैं और वो है रिटोरिकल कि जिसमें हमें पता लगता है कि रिस्पॉन्स जो है वो भी एक चीज है यानी इसमें हम अब तक कहें तो हमने एक कितने एलिमेंट्स का जिक्र कर लिया एक हो गया हमारा इनकोड एक हो गया हमारा मैसेज एक हो गया हमारी सिचुएशन और एक हो गया हमारा रिसीवर और पांच चीजें और एक हो गई हमारी चार चीजें और एक एक बात हो गई हमारी ये रिस्पॉन्स तो पांच चीजें जो हैं ये हो गई तो ये पांच चीजें जो हैं ये कम्युनिकेशन का के बारे में हमें बताती है लेकिन इसको आ, इसको मजीद समझने की जरूरत है ये जानने की जरूरत है कि ये कैसे ये प्रोसेस जो है वो कैसे वर्क करता है इस प्रोसेस में क्या यही एलिमेंट जो है इनके बारे में इतना ही जानना जरूरी है या इसके अलावा भी जानना जरूरी है इसको समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा और हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड है प्रोसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन यानी हम अभी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और साथ साथ ही हमने मिसकम्युनिकेशन की बात भी कर दी है लेकिन मेरे ख्याल से इसका रेफरेंस जो है वो आज की गुफ्तु की इब्तदा में मौजूद है वो जो इलेक्ट्रॉनिक के में हमने नॉइज की बात की थी यानी वो नॉइज जो है उसको हम मिसकम्युनिकेशन में जिक्र करेंगे बट लेट्स नॉट डिस्कस मिसकम्युनिकेशन बिफोर वी अंडरस्टैंड वॉट इज कम्युनिकेशन एंड टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन लेट्स अगेन डिफाइन What is communication? Communication is a process of sending and receiving verbal and nonverbal messages. Abam Thorza a situation we should talk about verbal and nonverbal messages. Communication is considered effective when it achieves the desired reaction or response from the receiver. Communication is a two-way process of exchanging ideas or information. यानी एक तो ये कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं टू वे प्रोसेस है मेरे ख्याल से अब तक हमने इतनी गुफ्तु किया कि इसके टू वे प्रोसेस होने के बारे में अब आपको कोई खदशा नहीं होगा लेकिन क्योंकि हम स्टेज पे अब पहुंच चुके हैं कि हम डिस्कस कर सकें कि इस टू वे प्रोसेस में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को समझना कितना जरूरी है यानी हमने अभी तक कुछ स्पीकर के बारे में या इनकोडर के बारे में गुफ्तु की है कुछ रिसीवर के बारे में या डिकोडर के बारे में गुफ्तु की है लेकिन मैसेज चैनल की हमने अभी तक बात नहीं की इसी तरह हमने एनवायरमेंट की बात तो की है सिचुएशन की बात तो की है लेकिन इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ये भी बहुत जरूरी है तो इसके लिए हमें दोबारा एक कम्युनिकेशन के नए मॉडल को अंडरस्टैंड करना है इस नए मॉडल के मुताबिक कम्युनिकेशन सिक्स कंपोनेंट्स, यानी कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं व्हाट आर दे? लेट्स काउंट दम द फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्सट और सिचुएशन द सेकेंड वन इज सेंडर और इनकोडर द थर्ड वन इज मैसेज द फोर्थ वन इज मीडियम नजर दिफ वन इज रिसीवर और फीडबैक तो वो हम तीन से चलते चलते छ पे आ गए सेंडर रिसीवर और मैसेज से कि आप सिक्स तक आ गए एलिमेंट. इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है कॉन्टेक्स या सिचुएशन या एनवामेंट अब इसको समझना जो है ये बहुत जरूरी है कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये बेसिकली होता क्या है लेट्स सी एवरी मैसेज वेदर औरल और रिटन बिगेन्स विद कॉन्टेक्स्ट यानी हर मैसेज जो है चाहे वो ओरल हो या रिटन हो एक खास कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को वही रोल के के हवाले से समझने की कोशिश कीजिएगा कॉन्टेक्स इज अ ब्रॉड फील्ड दट इंक्लूड्स कंट्री कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमूलार यानी इसमें जो इट्स अ ब्रॉड फील्ड यानी ये कहना चाहिए कि हर चीज जो है जिस तरह अभी मैंने सोशल एनवायरमेंटल थेरी में कही कि हर चीज जो है वो एक खास कॉन्टेक्स में होती है तो यहां हम सिर्फ उस कॉन्टेक्स का जिक्र करेंगे कि हर चीज जो है हर एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खास कॉन्टेक्स जो है उसमें होता है और वो कॉन्टेक्ट क्या है कंट्री है यानी ये इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ये इसमें जो भी काम हो रहा है इस यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्ट में हो रहा है ये यूनिवर्सिटी जो है इसका ये पाकिस्तान के अंदर है तो ये पाकिस्तान के अंदर कॉन्टेक्स में ये वर्क कर रही है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में हर रोल के मुताबिक जो भी काम किए जा रहे हैं वो तमाम काम जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट के तहत हो रहे हैं तो कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ये भी कॉन्टेक्स्ट के हैं इसके अलावा एक दूसरी चीज जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है वो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेमिलाय एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेमुलाय क्या होता है एक्सटर्नल स्टेमुलाय आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी पोजीशन पे है उसमें आपको एक लेटर आया है किसी को इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगी जा रही है आपको कोई को ऑर्डर जो है वो आया है तो ये तमाम जो या इस तरह के तमाम जो कम्युनिकेशन आपके पास आते हैं ये एक्सटर्नल स्टेम हैं यानी आपको खारिज से कहा जा रहा है कि आप कोई काम करें लेकिन इंटरनल स्टेमलाये इंटरनल स्टेमलाइया कि आप किसी आपको कोई कंप्लेन है तो वो आप किसी को आ, वो कंप्लेन पहुंचाना चाह रहे हैं आपके पास कोई कंप्लेन आप कोई जो हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो देना चाह रहे हैं इसी तरह आप जो है किसी को बस वेट करना चाह रहे हैं कोई खास आपकी प्रोडक्ट या वो आपकी सर्विसेस जो है उनको बायर करें या उनके बारे में अगाही हासिल करें या आप आ, किसी जगह कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एक जॉब लेटर जो है अनसोलिसिटेड यानी कोई बगैर अखबार में कोई इश्तेहार एडवर्टिजमेंट जो है वो नहीं आई उसके बगैर आप जस्ट ड्रॉप करना चाह रहे हैं अपना सी वी या आप एक लेटर जॉब लेटर जो है वो लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह के तमाम मामला जो होते हैं ये इंटरनल स्टेबलाय के नतीजे में वा, वाक्य होते हैं तो ये इंटरनल स्टेमुलाय या एक्सटर्नल स्टेमुलाय जो है ये सारे मिल मिला के वो कॉन्टेक्ट को पैदा करते हैं इसमें अगली चीज जो है वो ज्यादा जरूरी है कि जो भी कम्युनिकेशन जो है जब वो किसी कॉन्टेक्ट के तहत पैदा होता है तो उसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेमुलाय जिनको हम समझ सकते हैं कि हम किसी से कोई बात दरिया करना चाहते हैं या किसी ने हमसे कोई बात दरिया इसके अलावा इन तमाम चीजों के अलावा कुछ चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और वो क्या है योर एटीट्यूड्स ओपिनियंस इमोशंस पास्ट एक्सपीरियंस लाइक्स डिस एजुकेशन जॉब स्टेटस एंड कॉन्फिडेंस यानी इसमें आपके एटीट्यूड दे का एटीट्यूड जो है ये इंक्लूड करता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है ये इंक्लूड करता है आपकी एजुकेशन जो है ये इंक्लूड करता है आपका कॉन्फिडेंस जो है ये इंक्लूड करता है, है, है। यानी देखिए कि कॉन्टेक्स जो है ये कितनी ब्रॉड फील्ड है जो कि बिगिनिंग में हमने कहा था कि कॉन्टेक्स जो है ये एक बहुत अः ब्रॉड फील्ड है कि इसमें जो कम्युनिकेटर है उसकी पूरे की पूरी शख्सियत जो है वो इसके अंदर होती है इट्स कम्युनिकेटर यानी कम्युनिकेटर जो है वो जो कुछ भी है वो उस उसके मैसेज में वो कॉन्टेक्ट के जरिए जो है वो दाखिल हो जाता है यानी उसके एटीट्यूड आपका जना रवैया क्या है वो आपके मैसेज चाहे वो रिटर्न हो या औरल हो उसमें वो जाहिर हो जाएगा आपकी एजुकेशन क्या है वो उसमें जाहिर हो जाएगी आपके इमोशनल इक्वाल जो है वो कहां तक है वो जाहिर हो जाएगा आपका अपने बारे में कॉन्फिडेंस जो है उसका लेवल क्या है वो उसके बारे में जाहिर हो जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है इसको अंडरस्टैंड जो है वो करना बहुत जरूरी है आपकी लाइक्स और डिसलाइक जो है ये क्या है यानी आपने कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना तो कम्युनिकेट करते वक्त ना सिर्फ ये कि आपको अपनी मर्जी के मैसेजेस लिखने हैं बल्कि आपको बाजूकात ऐसे मैसेजेस भी लिखते हैं लिखने हैं जिनको आप पसंद नहीं करते तो इस सूरत में आपने क्या करना है आपने इस सूरत में किन बातों का ख्याल रखना है तो कम्युनिकेटर जो है जब वो कम्युनिकेट कर रहा होता है तो उस वक्त उसको इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसका पूरा पूरे का पूरा जो एक उसकी जात का पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है वो हो रहा होता है कम्युनिकेशन के एक्ट के जरिए तो कॉन्टेक्स्ट जो है हमने इसको डिफाइन किया कि कॉन्टेक्स्ट जो है इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इट इंक्लूड्स एवरी थिंग इट

कुछ लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स लिखते हैं कुछ लोग बड़ी बड़ी प्रिसाइज रिपोर्ट जो है वो लिखते हैं इसी तरह कोरिस्पॉन्डेंस के हवाले से राइटिंग के हवाले से ट्रेडिशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है कुछ लोगों के यहाँ यह है कि बात को पूरा बयान करना है कुछ लोगों के यह, यह है के डीजन को छोड़ देना तो कल्चर जो है ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर अफेक्ट करता है आपका कंट्री जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर अफेक्ट करता है आप भी एक आप सारे लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो कभी जाएं और किसी एक मुल्क को आप उसकी कल्चर को एक्सप्लोर करें आ, हमारे टॉपिक जब आएगा तो हम भी उसको डिस्कस करेंगे आप ये देखेंगे कि आपका कल्चर और उस मुल्क का कल्चर कई अतबार से मुख्तलफ है ना सिर्फ ये एजुकेशन ना सिर्फ ये के वे ऑफ कम्युनिकेशन रिलीजन लॉट मोर सो कॉन्टेक्स इज अ वेरी कंट्री इट इंक्लूड्स योर ऑर्गेनाइजेशन फिर ऑर्गेनाइजेश भी अपना अपना कल्चर होता है यानी पाकिस्तान में रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करती है और उस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का अपना कल्चर होता है इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेमुल और इंटरनल किस तरह जो हमारे stimulus, जो खारिज से आया होता है या को हमारे अंदर से हम खुद महसूस करते हैं कि हमें कोई मैसेज जो है वो देना है या किसी खारिज से हमें कोई मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज का हमें जवाब देना है और किस तरह इन तमाम मैसेज के ऊपर हमारा रवैया हमारी पसंद हमारी नापसंद हमारा पास्ट एक्सपीरियंस मिसाल के तौर पर आपने Uh, की हुई थी लाइन ऑफ क्रेडिट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन uh, के साथ और वो uh, जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी दैट दैट वाज प्रूव वेरी फ्रूटफुल तो अब जब भी नेक्स्ट क्रेडिट जो है वो आपसे मांगा जाएगा तो उसके ऊपर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो जरूर काम करेगा आप जो भी कम्युनिकेशन करने लगेंगे उस कम्युनिकेशन के ऊपर उस बात का बहुत असर जो है वो होगा तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके रवैये के साथ साथ ही चल रहा होता है, चल रहा होगा इस तरह एजुकेशन एजुकेशन में जैसे कि यह है कि आपने आप की जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो कहाँ तक है आप जिस रोल में एक्ट कर रहे हैं उस रोल के मुताबिक आपकी एजुकेशन जो है वो कितना सूट करती है हो सकता है आपने आप आप किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपके पास नहीं है तो इस सूरत में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती है वो आप उनसे बाखूबी वाकिफ हो सकते हैं इसी तरह बात आपने आप ने अगर कोई कोर्स किया हुआ कम्युनिकेशन के ऊपर तो उस कम्युनिकेटर uh, की बनस्बत के जिसने कोई कोर्स जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं किया हुआ आपको एक खास एज जो है वो हासिल होगी आपको कम्युनिकेशन uh, करने में आसानी होगी मैंने बेशुमार दफा देखा है कि जब भी कोई लेटर लिखना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें लेटर मैसेज क्या है वो तो बहुत आसान होता है लेकिन उसको कैसे कम्युनिकेट करना है? इसमें अगर तो आप कम्युनिकेशन के जो टेक्निक्स हैं कॉन्सेप्ट हैं इनसे अगर वाकिफ है तब तो ये बहुत आसान है लेकिन अगर आप इनसे वाकिफ नहीं हैं तो फिर बैठे सोच रहे होंगे हाँ जी क्या करें कैसे बात को करें तो इस तरह के बेशुमार मसाइल जो हैं वो दरपेश आ जाते हैं तो कॉन्टेक्ट जो है इन्हीं तमाम बातों को लेके चलता है कि हम कैसे कम्युनिकेट जो है वो कर पाएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन में इन तमाम चीजों के मिलने के नतीजे में एक ऐसी शख्सियत कैसी पर्सनालिटी एक ऐसा कम्युनिकेटर जो है वो डेवलप होता है क्रिएट होता है कि जो जब कम्युनिकेशन करता है तो वो कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है तो आज हमने जिन चीजों का को स्टडी किया उनमें बेसिक थेरीज ऑफ कम्युनिकेशन थी उनको स्टडी किया कि कैसे हमने तीन हैं कैसे एनवायरमेंटल थेरी, है, थेरी और फिर किस तरह एक तीसरी थेरी रिटोरिक थेरी थी और इन थे ने हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया कि वी कैन इजिली नाउ अंडरस्टैंड द

कि आप बगैर बगैर सोचे बगैर कम्युनिकेशन के किसी टॉपिक को लिए हुए कैसे आप इसको कर सकते हैं किसी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं और किस तरह आप इन कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद मैसेज को कन्वे कर सकते हैं इसका थोड़ा सा अः अंदाजा करने के लिए किसी बात के बारे में सोचिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपने कोई अपनी कोई रिपोर्ट बनानी है लेट से कोई बजट पे रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट बना के वो किसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करनी है तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा सोचिए और कोशिश कीजिए कि उनको जरा अल्फाज में लाइए मजीद गुफ्तु करेंगे आज तक के लिए यही गुफ्तगु खत्म करते हैं बहुत शुक्रिया खुदाफ़ी